दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने IC मेंशन किया है. जो बच्चे BA की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, BA LLB की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या LLB की प्रिपरेशंस कर रहे हैं BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप MBA की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो MBA में भी GS और GK पूछा जाता है और उसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं. तो ये जो शॉर्ट वीडियो आज आपको मिलेगी वो है आपके पार्ट्स के बारे में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 3 और एड ऑन हुए थे, उसकी बात नहीं करेंगे हम. बात करेंगे 22 पार्ट्स की और उसके आर्टिकल्स की. तो आपको इस वीडियो के थ्रू यही मिलेगा. और अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो. चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अपने डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं. तो सबसे पहले मैं बता दूँ, 1950 ये ईयर याद रखना, और 26 जनवरी ये डेट याद रखना. पार्ट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950, 26 जनवरी, ये डेट और ईयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है और पार्ट और शेड्यूल हमारा तभी आया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था. पार्ट कितने होते हैं तो 22 होते हैं, और शेड्यूल कितनी होती है तो 8 होती है. इसके बाद 3 और पार्ट्स जुड़े थे जिसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं हमारे 22 पार्ट्स की. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. सो गाइस, पहला पार्ट जो है वो आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है, और किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है. अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की. तो पार्ट सेकंड आपका आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 11 के बीच में है, और ये आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड है. सिटीजनशिप से रिलेटेड है. इसको आप फटाफट से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आपको ऐसे ही सिंपली लिखना है जिससे आपको याद हो जाएगा. अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की. पार्ट थर्ड जो है वो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, 35 तक के बीच में होता है, और इसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 और पार्ट थर्ड. तो गाइज, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द आर्टिकल 36 to 51, ठीक है, 36 से 51, और यहाँ पे आपको बात मिलेंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के बारे में. इसके बाद आपका आता है पार्ट 4A, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेंगे, और इसमें आर्टिकल आएगा आपका 51A, ठीक है. 51 पहले आपने कवर किया थे फोर्थ पार्ट में, अब आपको 51A देखने को मिलेगा, और इसमें आपके FD के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, 42nd अमेंडमेंट के बारे में देखने को मिलेगा. 42nd अमेंडमेंट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में. 42nd अमेंडमेंट की बात अगर करी है तो 1976 ईयर याद कर लेना. और अगर डिटेल में अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं. बात करते हैं पार्ट 5 की, पार्ट 5th की, जो कि आपके आर्टिकल 52 से डील करता है और 151 तक डील करता है. 52 से लेके 151 गवर्नमेंट ऑफ यूनियन के बारे में इसमें बातचीत रखी गई है, लिखी गई है, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं. अब बात करते हैं पार्ट 6 की. पार्ट 6 जो है वो आर्टिकल 152 से डील करता है, साथ ही साथ 152 के बाद से 237 तक डील करता है, और किसके बारे में डील करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बारे में डील करता है, ठीक है. जितनी भी चीज़ें स्टेट से रिलेटेड है वो आर्टिकल 152 से 237 के बीच में लिखी गई है. स्टेट लेवल के जितनी भी चीज़ें हैं वो 152 से 237 के बीच में लिखी गई हैं. पार्ट जो 7 है हमारा वो स्टेट से रिलेटेड है, इसमें रिप्लेस्ड किया गया था, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, तो आपका 238 आर्टिकल है, पार्ट 8 है. स्टेट रिप्लेस्ड किया गया था, ईयर 1956 याद कर लो और 7th अमेंडमेंट याद कर लो, ठीक है, जिससे तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. डिटेल में सारी चीज़ें आप इसको गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जहाँ पे भी आप BHU इन्फोपीडिया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, करके क्वेश्चन अपने डाउट्स पूछ लेना. इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन भी कर देना. पार्ट 7, 238 आर्टिकल, 1956, 7th अमेंडमेंट. पार्ट 8,
पार्ट एट किस आर्टिकल से डील करता है? तो पार्ट एट डील करता है 239 से लेके 241 तक, और यहाँ पे भी यूटी के बारे में डिस्कशन होता है। जो फर्स्ट आर्टिकल था वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, ये प्रॉपर डील करता है आपके यूटी से रिगार्डिंग। जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है वो पार्ट एट में डिस्कस की जाती हैं, आर्टिकल 239 से लेके 241। पार्ट 9 की बात करते हैं जो कि डील करता है आर्टिकल 243 और 243O, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में मैक्सिममली ये क्वेश्चन पूछा जाता है 243 के रिगार्डिंग। इसमें आता है आपका 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। और ये किससे डील करता है, मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से डील करता है, म्यूनिसिपालिटी से डील करता है और कॉरपोरेटिव सोसाइटी से डील करता है। पंचायती राज, म्यूनिसिपालिटीज और कॉरपोरेटिव सोसाइटी। और इसमें आपको 73rd अमेंडमेंट 1992 याद करना है, और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पार्ट ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्ट टेंथ जो है वो आर्टिकल आपका 244 से लेके 244A तक डील करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में डील की गई हैं सारी चीज़ें, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पार्ट्स और शेड्यूल फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग याद करनी रहती है, दिमाग में रखनी रहती है। तो अभी हम इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये है पार्ट वन थी ये हमारी वीडियो की। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, तो हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हमको कवर करना है अपना 11 पार्ट से लेके 22 पार्ट तक, ठीक है। 22 पार्ट तक हम उसमें कवर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था पार्ट वन हमारी वीडियो का, पार्ट टू जल्द ही आ जाएगा। साइनिंग ऑफ, तारा।